नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube के हिंदी चैनल जस्ट चिल में। आइए कुछ नया सीखते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में सीखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन है। आप जैसे ही मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को पुश करेंगे, यहाँ पे एक बेल का आइकन आ जाएगा। बेल को आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। बेल के आइकन को दबाने से ये फ़ायदा होगा, मेरे द्वारा किसी प्रकार के वीडियो को अपलोड करने पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें। NSDL से पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, इस विषय में ये पूरा वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप पूरा प्रोसेस को समझ पाएँ। तो चलिए हम अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। मैंने लॉगिन कर रखा है और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं सर्विस पे, पहली जो सर्विस है सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सारे ऐप जो है डिजिटल सेवा के खुल जाएंगे। ऐप खुलने के बाद ये सर्च बार में आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं। मैं चलिए टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पैन। पैन टाइप करते दोस्तों ये पहला जो आ गया NSDL, मुझे इसी से बनाना है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये दूसरे विंडो में रिडायरेक्ट हो जाएगा NSDL की सर्विस पे। तो रिडायरेक्ट होने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये दोस्तों देखिए आ गया पैन की सारी एप्लीकेशन, पहला ऐप पैन एप्लीकेशन के लिए, और उसके बाद है स्कैन डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप सारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए जो इंडियन सिटीजन के लिए 49 ए फॉर्म है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब फॉर्म भरने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल पे। अब जिसके हिसाब आप जिसका फॉर्म मतलब पैन बना रहे हो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज दूसरे पेज में चला जाएगा। यहाँ से पेज खोलने के बाद और ये सारी डिटेल भरना होगा। तो सबसे पहला जो है दोस्तों ये AO कोड है, जो एरिया कोड के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ से डिटेल आप भर लेंगे। फाइंड एरिया कोड में करेंगे और यहाँ पे सारी दोस्तों अपने डिटेल को भरने के बाद अब फिर नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर आप अपनी एड्रेस वगैरह जो भी है आपका वो अपना भर देंगे। फिर और नीचे फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करके करेंगे। फिर यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं यहाँ से फॉर्म अपना देख के पूरा कंप्लीट भर लीजिएगा दोस्तों। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज तो आपसे पूछेगा कि आपने जो डिटेल भरी आप उसको एक बार चेक कर लें। सारी डिटेल को चेक करने के बाद दोस्तों देख ले कहीं अगर कुछ कमी हो तो फिर पेज को नीचे डाउन करके स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी एडिट में कर सकते हैं। कैप्चा कोड डाल के आप एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सही भरा हुआ है तो सही भरने के बाद सब फॉर्म को एकदम और जब नीचे करेंगे तो देखिए कैप्चा कोड का ऑप्शन है, इस कैप्चे को यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कन्फर्म का, अगर आपका फॉर्म सही भरा तो कन्फर्म करेंगे, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो कैप्चा कोड डाल के एडिट के ऑप्शन में एडिट करेंगे। तो चलिए मेरा फॉर्म सही भरा है, हम इस पर कंटिन्यू करके क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही सबमिट होगा तो वहाँ से फिर आपका पेमेंट के लिए आ जाएगा। ये देखिए पेमेंट थ्रू VLE वॉलेट, आपके वॉलेट से 110 रुपये कट जाएगा, जिसमें से कि 10 रुपये आपको तुरंत वापस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नीचे करेंगे मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको वॉलेट के ऑप्शन में आ जाएगा। वॉलेट के ऑप्शन में जाने के लिए दोस्तों यहाँ से अपना जो डिजिटल सेवा का पासवर्ड है आप उसको डालेंगे। और डिजिटल सेवा के पासवर्ड को डालने के बाद जब पासवर्ड आप डाल देंगे तो फिर यहाँ से वॉलेट के ऑप्शन में जाएंगे। वॉलेट का पिन डालने के बाद आप यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल के मैसेज के बाद जब ये आपने जो फॉर्म भरा है उसकी एक PDF फाइल बन के आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसे दो फोटो चिपका कर और फिर उसी कॉपी को स्कैन करके NSDL पे अपलोड करना होगा। तो वो कैसे करना होगा वो मैं आपको बताऊँगा। पहले फाइल डाउनलोड कर लें, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। सेव करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के दोबारा कॉपी को स्कैन करना होगा। और ये देखिए ये जब डाउनलोड होगा ये PDF फाइल में आ जाएगा। एक यहाँ फ़ोटो लगा के फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करना।